Hello student, welcome back to my channel. In this video, I'm going to explain the poem explanation of Strange Talk of Grade 2 English Marigold. तो चलिए इसे पढ़ना और समझना शुरू करते हैं. Little green frog lived under a log. एक छोटा सा हरे कलर का मेंढक कहाँ रहता है? उस लॉग के नीचे, उस लकड़ी के टुकड़े के नीचे. And every time he spoke, और वो जब भी बोलता है, spoke speak second form है, मतलब बोलना. वो जब भी बोलता है, instead of saying, इसके बजाय कि वो गुड मॉर्निंग कहे, वो क्या कहता है? क्रॉक क्रॉक टर टर वाली जो साउंड होती है. A duck lived by the water side. और एक जो duck होती है वो पानी की तरफ रहती है, water side होता है. कि land by the edge of water, पानी के पास की जो land होती है उसको water side कहते हैं. lack मतलब होता है कमी किसी चीज़ की. A duck lived the water side. एक जो बतख है वो कहाँ पे रहती है? उस land के पास रहती है, पानी के पास. And little did he lack. और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी. But when we asked, लेकिन जब भी हम उससे पूछते हैं how do you do, तुम कैसी हो, He only said, वो क्या कहता है? Quack quack. A little pig slept in a sty. एक जो pig होता है वो sty मतलब होता है बच्चों की enclosure for keeping pig. वो जो सुअर के लिए बाड़ा बनाया जाता है उसको sty बोला जाता है. As fat as he could be. जितना हो सकता है वो उतना मोटा है. And when he asked for dinner, और जब भी हम उससे रात का खाने के लिए बोलते हैं, पूछते हैं, He cried aloud, we. वो जोर से चीख कर कहता है तो we. 3 pups live in a kennel. 3 छोटे छोटे जो पपीज़ हैं वो कहाँ रहते हैं? वो कैनल में रहते हैं. एंड लव टू मेक अ रो, और वो एक लाइन में चलना पसंद करते हैं. एंड व्हेन दे मेंट मे बी गो आउट, और जब भी वो कहना चाहते हैं कि क्या हम बाहर जाए, दे सेड भोपम्बो, वो भोम वाले साउंड देते हैं जैसे डॉग्स देते हैं. इफ़ ऑल दीज एनिमल्स टॉक एज मच लिटिल गर्ल्स एंड बॉय, अगर ये सारे जानवर छोटे बच्चों की तरह ज़्यादा बोलते हैं. एंड ऑल ऑफ देम ट्राई टू स्पीक एट वंस, और यदि अगर वो एक साथ बोलेंगे, वुडंट इट मेक अ नॉइस, तो क्या वो शोर नहीं मचाएंगे? नॉइस मतलब होता है शोर. सो बेसिकली इस पोएम में क्या है बच्चों की हमें नॉलेज देती है अलग अलग जानवरों के घर के बारे में, कि उनके घर को क्या कहते हैं. वो हमें बताती है कि ये जो एनिमल्स हैं ये कैसे बात करते हैं. और लास्ट में हमें वो पोएट ये भी बोलता है कि पोएम क्या बताती है कि जब वो सारे के सारे जानवर एक साथ बोलेंगे तो क्या वो शोर नहीं मचाएंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रेंज.